अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके ये और ये बराबर है और पीस का मध्य बिंदु दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम। ए का नाम है डी ए पी, तो डी ए और पी ये वाला, और दूसरा है ये वाला इधर वाला का नाम है ई बी और पी, मतलब पहले ऊपर वाला, फिर ये कोने वाला, फिर ये वाला, इसमें भी यही सेम है। तो दोनों क्या करने हैं आपको, सर्वांग सम करने हैं। तो एक त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, डी ए पी, व त्रिभुज हो जाएगा ई बी पी। हमें तीन चीज़ें करनी है बराबर। नंबर एक, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इसका तो ये कोण और इसका ये कोण, दोनों क्या है आपके बराबर। यही नाम लिखो, डी ए पी बराबर है कोण ई बी पी, दोनों क्या है बराबर। क्यों है, उस सवाल के अंदर लिख रखा है, अगर ये वाला ई पी ए, ई पी ए ये वाला ई पी ए और डी पी बी दोनों क्या है आपके बराबर है, डी बी पी होगा, ई पी ए ये वाला कोण और साथ में ये वाला कोण, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, मतलब इसके अंदर ए आ रहा है बीच में और इसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है बीच में, तो ए और बी, एक मिनट, इसमें मतलब आप क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ए डी और ए बी क्या है बराबर, ए और बी बराबर है, इसमें नाम पूरा दे रखा है आपके, बी ए डी, बी ए डी ये पूरा नाम लिखा है, आप क्या करें इसके ये लिख दें, क्योंकि ये लिख सकते हो कारण पीछे, बी ए डी बराबर है ए बी, बी ए डी बराबर है ए बी ई, इसीलिए ये वाला अगर बराबर है वो वाले सेम ही नाम है, बस ये लिखा हुआ पूरा नाम मैंने लिख दिया आधा नाम। दूसरा, अब ये वाला कौन ऐसा है जो आपको, देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ए पी और बी पी दोनों क्या है आपके बराबर, कारण हो जाएगा आपके पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो पी हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु। तीसरा हो जाएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण डी पी ए बराबर हो जाएगा कोण ये डी पी ए, तो हो जाएगा ई पी बी, तो ये हो जाएगा ई पी बी, दोनों बराबर हो जाएंगे, कारण यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर एक से। अब ये कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए देखो पहले आपको सवाल लिख रखा है कि ई पी ए और डी पी बी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके बराबर है, ई पी ए और डी पी बी दोनों क्या है बराबर, ई पी ए बराबर क्या है आपके डी पी बी, ये दोनों क्या है आपके बराबर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके बराबर है। क्यों है बराबर, सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। अब ये और ये हम क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे हम कोण नंबर एक और दोनों तरफ इधर भी जोड़ लेंगे और इधर भी जोड़ लेंगे, क्या करेंगे कोण नंबर एक को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो ई पी ए के साथ भी जोड़ लेंगे हम कोण नंबर एक और डी पी बी के साथ भी जोड़ लेंगे हम कोण नंबर एक। इसके साथ जोड़ो पहले कोण नंबर एक, तो हो जाएगा ए पी डी या डी पी ए हो जाएगा, ये हो गया डी पी ए, तो हो जाएगा कोण डी पी ए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ई पी बी, तो ये हो जाएगा ई पी बी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक और याद लेंगे समीकरण नंबर एक से। तो दो आए कोण और एक है भुजा, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कोण कहाँ आया हुआ है, तो देखो दो कोणों के बीच में भुजा है, इसलिए क्या हो जाएगा ए एस ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। इसमें भी आपको ऐसा लगाना है, ए ए एस ही लगाना है, एस ए ए नहीं लगाना है, अगर ऐसा होता तो, जबकि यहाँ कौन, अगर मान लो भुजा यहाँ कहीं होती तो ये लगाते, ये वाला लगाते, ये लगाने की जरूरत नहीं आपको, अगर और दोनों कोणों के बीच में भुजा है तो लगाएंगे ए एस, द्वारा कह सकते हैं
दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांशम, तो उसके अन्य भाग क्या होंगे बराबर, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो हो जाएगा ए डी और बी क्या हो जाएगी आपके बराबर, ए डी बराबर हो जाएगा आपके बी ई, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं आपके बराबर।